हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द झारखंड न्यूज़ में। चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो टोक्यो में देश का मान बढ़ाने वाली निक्की और सलीमा को रेलवे देगा तोहफा, जल्द बनेगी ऑफिसर। टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे रेलवे में अफसर बनेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में दोनों को बेहतर जगह में नियुक्त करने की योजना बनी है। CPRO नीरज कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, दोनों महिला हॉकी खिलाड़ियों को राजपत्रित कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा। अभी दोनों हॉकी खिलाड़ी जोन के रांची रेल मंडल में कार्यरत है। रेलवे की योजना के अनुसार सलीमा टेटे असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर स्पोर्ट के पद पर नियुक्त की जाएंगी, जो अभी वाणिज्य विभाग में टिकट एग्जामिनर के पद पर कार्यरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर 40,000 में बेचा। झारखंड की राजधानी रांची में एक 6 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 जुलाई की रांची के बुट्टी मोड़ इलाके से भीख मांगकर गुजारा करने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई। आंचल की मां बालू देवी ने रांची सदर थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद बच्ची को बेंगलुरु से बरामद किया है। इस केस में 2 आरोपी युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें।